रामपुर जिले के वाजरा सागर विकास खंड के ग्राम पंचायत करमजीहा में आर्थिक तंगी के चलते जीवन यापन करने वाले गरीबों को सामाजिक भेदभाव के चलते नीची जाति का बताकर पानी जैसी मूलभूत सुविधा से भी वंचित किया जा रहा है। चुनावी लाभ लेने के लिए पंचायत ने इनके लिए एक हैंडपंप खुदवाया, लेकिन उसमें भी बहुत कम पानी निकलता है। जिले में डायरिया के प्रकोप को देखते हुए कलेक्टर ने जांच कर सख्त कार्रवाई की बात कही। इसके बावजूद सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े ये लोग नाले का दूषित पानी पीने के लिए मजबूर हैं। सवाल तो यह है कि शासन की तमाम योजनाओं का लाभ इन जरूरतमंदों को आखिर क्यों नहीं मिल पाता। बोलने वाले साहब, इंक्वायरी करने वाले कोई नहीं है। नाला का पानी पीते पीते हम लोग मर गए। आओ, हम लोग की कुछ लाइट बत्ती कुछ नहीं है। आ ना तो हम लोग की पास कुआई ना रहा। हाँ बेटा, हम लोग छोड़ जाती हैं बसो। हम लोग जाते हैं गांव में पानी लेने के लिए से नल पर, तो हम लोग की कहते हैं कि यहाँ पर पानी हम लोग नहीं भरने देंगे। तू लोग नीच जात हो तो तू लोग अपने व्यवस्था कर लो, चाहे नदी नरवाती हो चाहे कहीं भी। विद्युत की व्यवस्था तो अलग विषय है। विद्युत की व्यवस्था है तो यदि नहीं है तो टोला मजरा स्कीम में जुड़ जाएगा। और यदि कोई जातीय विद्वेष से भेदभाव से पानी नहीं पीने दिया जा रहा है तो शुद्ध लॉ एंड ऑर्डर का विषय है। इसको हम लोग जांच करेंगे और उसके बिल्कुल कठोर कार्रवाई करेंगे। ये संभव नहीं है।